देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस के लिए अब इंतजार खत्म हो गया है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन आपको दिल्ली से लखनऊ ले जाने के लिए तैयार है। आज पीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जंक्शन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंडियन रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस के किराए का भी ऐलान कर दिया है। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। आप आज से ही इसके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन के विलंब होने पर मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे की सहायक कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इसमें कहा गया कि 1 घंटे से ज्यादा का विलंब होने पर 100 रुपए की राशि अदा की जाएगी, जबकि 2 घंटे से ज्यादा की देरी पर 250 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अभिषेक रस्तोगी फोन लाइन पर चल चुके हैं। अभिषेक, एक नई ट्रेन की सौगात मिली है दिल्ली से लखनऊ के लिए, और क्या कुछ लोगों में उत्साह देखा जा रहा है इस ट्रेन को लेकर? यानी कि तेजस का जो सर्विस है लोग इंतजार था, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग उसके अलावा और लोग जिनको लखनऊ से दिल्ली जाना होता था और बहुत लंबा समय लगता था, उनकी वो दूरियां और कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कम हुई। मैं 6.25 घंटे में ही लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तेजस जो है वो पहुंचेगी। इस तरह तमाम इस तरीके से एयरप्लेन में आई आपकी खाने के लिए की उस तरीके की सुविधाएं रहेंगी। उसके अलावा पहली बार देखा जा रहा है कि सब हमारे वो अक्सर, लेकिन अगर ये ले लूंगी उसके अवैध में जो ग्राहक है जो यात्री को मुआवजा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका उद्घाटन किया है और इसको यहाँ से रवाना किया। उसके साथ में तमाम जो उनके सरकार के मंत्री थे वो भी मौजूद थे, तमाम रेलवे के और जो चेयरमैन है वो मौजूद थे, तमाम कर्मचारी मौजूद थे। आमतौर पर दिल्ली में जो यात्रा है लखनऊ से दिल्ली की यात्रा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आसान हो गई और बहुत कम समय में, क्योंकि पहले 8 घंटे तक लगते थे, 6 घंटे में लखनऊ से तक अभिषेक, लोगों में उत्सुकता है कि आखिरकार जिस ट्रेन का लेट होने पर 100 से लेकर 250 रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है, उस ट्रेन का किराया कितना होगा? सर देखिए, इसमें अगर शुरुआती किराए की बात करें तो 1100 रुपए उसे 1300 रुपए के बीच किराया है। उसका जो बिजनेस है उसका किराया 2300 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक के है। लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त 2300 रुपए और वापसी में तकरीबन 2450 रुपए है, क्योंकि रात के वक्त या शाम के वक्त जिस वक्त गाड़ी वहां से लौटेगी उस वक्त जो यात्री होंगे उनको ट्रेन के अंदर ही ट्रेन रेलवे की तरफ से जो खाना है वो भी मुहैया कराया जाएगा, खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो आम आदमी है वो भी इसमें सफर कर सकता है, क्योंकि 1100 रुपए का है और जो सफर है जो हाई क्लास से का जो टिकट मिलना चाहते हैं वो 30 रुपए का टिकट वो भी लेकर सफर कर सकते हैं। ट्रेन की कोच की बात करें तो क्या स्पेशलाइजेशन कोच का है, इसके अंदर क्या कुछ खास हिस्सा रहा है जिसको लेकर किराया इतना ज्यादा रखा गया है? जिनके किराए की अगर बात करें तो ये जो ट्रेन है ये पूरी ट्रेन को अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बैठने के लिए जो चेयर है वो बहुत ही आरामदायक चेयर है, ट्रेन की तर्ज पर बनाया गया है। तमाम रेलवे स्टाफ इसमें मौजूद रहता है, मौजूद रहेगा जितनी देर ट्रेन चलेगी। उसके अलावा ट्रेन की तर्ज पर जिस तरीके से यात्रियों से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि उनको क्या चाहिए, उस तरीके से जो ये ट्रेन है इसमें भी इतनी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा अगर कोई यात्री पहले से कुछ ऑर्डर करना चाहता है तो वो अपना अपनी चीज ऑर्डर भी कर सकता है, उसको भी बना के उसको उनके लिए तैयार करेगा। और उसके अलावा सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि जो और जो गाड़ियां हैं जो लखनऊ से दिल्ली पहुंचती है जो 10 से 12 घंटे लेती है, ये 6 सुपरफास्ट ट्रेन है, ये 6 घंटे नहीं पहुंचा देगी। इतने कई लोगों को इससे काफी जो दिक्कतें होती थी पहले वो नहीं होंगी और लोग आसानी से और समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ। जाहिर सी बात है कि लखनऊ से यात्रा करने वाले जो दिल्ली के यात्री हैं और दिल्ली से लखनऊ के यात्री हैं उन्हें काफी सुविधा मिलेगी, और ये ट्रेन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो उनका आना जाना लगातार के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, भले से किराया ज्यादा क्यों ना हो। वाराणसी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर 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 सर